हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलकंद का पराठा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे। बड़े बॉल में 2 कप गेहूँ का आटा डालेंगे। मोयम के लिए 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी के जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए, सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। इसी तरह का सॉफ्ट डो होना चाहिए। इतना डो तैयार करने में हमने सिर्फ 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम डो को ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। 10 से 12 बादाम है, 10 से 12 काजू, 10 से 12 पिस्ता। अब हम इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। देखिए, हमने इसे बिल्कुल बारीक पीसकर तैयार कर लिया है। इसी तरह का होना चाहिए। अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप गुलकंद डालेंगे। गुलकंद का स्वाद बहुत मीठा होता है। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची का पाउडर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट और गुलकंद को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पराठे की फिलिंग बनकर तैयार है। पूरे 10 मिनट हो गए हैं। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे और एक बड़ी लोई बनाकर तैयार करेंगे। चकले पर सूखा आटा लगाएंगे, लोई रखेंगे और बेलेंगे। पूरी जितना हमने बेल लिया है, गुलकंद और ड्राई फ्रूट के स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से सील करेंगे। एक्स्ट्रा आटे को हटा लेंगे। इस तरह से उंगली से दबाएंगे ताकि स्टफिंग चारों ओर अच्छे से फैल जाए। सूखा आटा लगाएंगे और बेलेंगे। देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से बेलेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे को बेलकर तैयार करेंगे और तवे पर सेकेंगे। देखिए, पराठा इतना मोटा होना चाहिए। पराठा को सेकने के लिए हमने तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है। पराठा को हम अच्छा सुनहरा होने तक सेकेंगे। पराठा एक साइड से सेक गया है, पलट लेंगे। पराठा पर हम घी लगाएंगे। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। पराठा को हम पलट लेंगे, घी लगाएंगे। देखिए, पराठा को हमने उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठा को सेक कर तैयार करेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म गुलकंद का पराठा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।